ओके okay, तो क्या तुम लोग तैयार हो चेंसो मैन सीरीज के सबसे बेस्ट आर्क को एक्सपीरियंस करने के लिए? क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे इंटरनेशनल असैसिन आर्क को अच्छी तरीके से समराइज कर दूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, विच इज इंटरनेशनल असैसिन आर्क एक्सप्लेन्ड। सो स्टोरी में प्रीवियसली हम लोग देख चुके हैं कि माकीमा ने रीजे को मार दिया था, लेकिन इस बारे में अभी तक देंजी को नहीं पता था। तो कहानी की शुरुआत में हम वही सपने को देखते हैं जो कि देंजी हमेशा देखता है। वो एक डोर के सामने खड़ा था, लेकिन पोचिता उसे उस पार से डोर को खोलने के लिए मना करता है। सडनली देंजी की नींद खुल जाती है एंड वो देखता है कि मियावी उसके ऊपर थी। फिर आकी, पावर और देंजी साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहां पर पावर मियावी को डांटती है कि तुम देंजी के पास बिना मेरी परमिशन के क्यों गए। और वहीं दूसरी तरफ देंजी के दिमाग में सिर्फ रीजे चल रही थी और वो इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो सोचता है कि अब इसके बाद मुझे और कुछ फील हो ही नहीं सकता। सडनली रूम के अंदर माकीमा आ जाती है और बोलती है कि पिछले के कुछ दिन काफी ज्यादा बिजी थे, तो कैसा होगा अगर हम चारों ही किसी जगह पर छुट्टियां मनाने चलें। देंजी पूरी एक्साइटमेंट में कूद पड़ता है और बोलता है कि बिल्कुल हम चलेंगे। आकी भी वेकेशंस के लिए तैयार हो जाता है। और जब माकीमा और आकी वेकेशंस की डेट को डिसाइड कर ही रहे होते हैं, तभी कई सारे डेविल हंटर्स उनके रूम के अंदर घुस जाते हैं और माकीमा के कान में कर उससे कुछ बातें करने लगते हैं। फिर उन्हीं में से एक डेविल हंटर टीवी को चालू करता है जिसमें न्यूज चल रही होती है, चेंसो मैन हमारा दुश्मन है या दोस्त या फिर वो सिर्फ एक आतंकी है। इस न्यूज को सुनकर देंजी और पावर काफी खुश हो जाते हैं और अपने ट्रिप के प्लान बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ माकीमा बाकी लोगों को बताती है कि उसने मीडिया को पब्लिक सेफ्टी से दूर रखने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इस बार इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि मीडिया ने इसे फाइनली कवर कर ही लिया। और बोलती है कि तो फिर उस बॉम्ब गर्ल ने अपना मिशन कंप्लीट कर ही लिया। फिर माकीमा देंजी को बताती है कि ट्रिप कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हो गई है और आने वाले कुछ टाइम तक देंजी भी कैजुअली बाहर नहीं निकल सकता। उसके साथ उसी की एक पर्सनल प्रोटेक्शन टीम भी होगी, क्योंकि अब पूरी दुनिया को देंजी की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया है, तो पूरी दुनिया भर से कई सारे असैसिन्स देंजी को मारने की कोशिश करेंगे। उस रूम से बाहर निकलते हुए माकीमा आकी से बोलती है कि अगले साल हम लोग गंडेवल से लड़ने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि उस मिशन में तुम भी एक मेजर पार्ट प्ले करो, इसीलिए संभल कर रहना और गंडेवल को हराने के लिए जिंदा रहना। फिर हमें एक फ्लैश बैक दिखाया जाता है जिसमें आकी और एंजल डेविल साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, जिसमें एंजल डेविल उससे बोलता है कि जब भी कोई डेविल यहाँ पर मर जाता है तब वो हेल में रिवाइव हो जाता है और जब वो हेल में भी मर जाता है तब वो वापस से अर्थ पर रिवाइव हो जाते हैं, लेकिन रिवाइव होने के बाद उनके पास अर्थ और हेल की कोई मेमोरीज नहीं रहती है। और बोलता है कि सारे डेविल्स को सिर्फ एक ही चीज याद रहती है, चेंसो मैन की चेंस की आवाज। फिर हमें दिखाए जाते हैं तीन अमेरिका के प्राइवेट हंटर्स जो न्यूज पर देख रहे होते हैं कि चेंसो मैन जैसा कोई एग्जिस्ट करता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसे पकड़ेंगे और अमेरिका को दे देंगे, वो भी सिर्फ $2 मिलियन के बदले। उन तीनों में से सबसे छोटा बंदा एल्डो बोलता है कि इसमें काफी ज्यादा रिस्क है और वो मिशन के बारे में सुनकर ही डर जाता है। तब उससे बाकी के दो लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने गन डेविल के हमले को सर्वाइव कर लिया, तो फिर तो ये सब छोटी सी बात है, ऊपर से हम लोग अमर भी हैं। फिर हमें एक बर्फीली जगह पर दो लोग दिखाए जाते हैं जिनमें से एक का नाम है तोलका और वो उसकी मास्टर के साथ फॉक्स का शिकार करने आया होता है। जैसे ही वो उस फॉक्स के ऊपर अपना निशाना लगाता है, उसकी मास्टर उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुमने उसकी जान ले ली। तो तोलका बोलता है कि बिल्कुल नहीं। वो लोग फॉक्स की स्किन को उतार देते हैं और उसका सर भी काट कर अलग कर देते हैं। फिर से उसकी मास्टर उससे वही सवाल पूछती है और इस बार फिर से वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं। जब वो लोग उस फॉक्स का खाना बनाकर खा रहे होते हैं, तब फिर से उसकी मास्टर उससे वही चीज पूछती है एंड अगेन वो मना कर देता है, जिस पर उसकी मास्टर बोलती है कि जैसा अभी अभी हमने इस फॉक्स के साथ किया वैसा ही हम लोग जापान के एक 16 साल के लड़के के साथ करने वाले हैं। फिर हमें चाइना का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेट्स से साथ में कुछ लोग सो रहे होते हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियां अपना टाइम एंजॉय कर रही थी, तभी उन्हें डिस्टर्ब करते हुए एक चाइनीज गवर्नमेंट का बंदा आता है और उन लोगों को एक मिशन देता है जिसमें उन्हें जापान जाकर इस चेंसो वाले लड़के को पकड़ना है, जिसके बदले में गवर्नमेंट उन्हें कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स दे देगी, साथ ही नॉर्मल एजुकेशन की भी परमिशन दे देगी। एट द सेम टाइम माकीमा भी कुछ बड़े असैसिन्स के बारे में बात कर रही थी जिनमें से एक है क्वांगशी, एंड हाँ इस लड़की का नाम भी क्वांगशी है। माकीमा बोलती है कि ये सारे असैसिन्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन इन सभी में सबसे खतरनाक जो असैसिन है वो है सांता क्लॉस जो कि जर्मनी में रहता है। भले ही वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो पूरी पब्लिक सेफ्टी के लिए अकेला ही काफी है। फिर हमें एक जर्मनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गवर्नमेंट एजेंट एक बूढ़े इंसान के पास जाता है और उसके साइड में बैठकर उसे चेंसो मैन को मारने के मिशन के बारे में बताता है। फिर वो बूढ़ा इंसान या कह लो सांता क्लॉस गवर्नमेंट से इस चीज के बदले 4 बच्चे मांगता है, 3 बच्चे डेविल कॉन्ट्रैक्ट के लिए और 1 बच्चा प्लेजर के लिए।
फिर हम देखते हैं देंजी को जो कि दुखी होकर फर्श के ऊपर लेटा था क्योंकि उसका माकी माँ के साथ ट्रिप पर जाना पोस्टपोन हो गया था। फिर रैंडमली आकी उसके ऊपर आकर बैठ जाता है और बोलता है कि ट्रिप तो कभी कैंसिल हुई ही नहीं थी, ट्रिप तो बस थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन हुई थी, लेकिन अगर हम सारे असैसिन्स को यहाँ से हरा कर भगा दे तो फिर हम लोग आराम से वेकेशंस पर जा सकते हैं। देंजी इस आइडिया से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि वो सारे असैसिन्स को मार देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं देंजी और पावर जो कि एक तालाब के साइड में खड़े थे और राइस बॉल्स खा रहे थे। देंजी के हाथ से राइस बॉल स्लिप होकर नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो उसे उठाकर वापस खाने वाला था, कुसाकाबे नाम का एक पब्लिक सेफ्टी एजेंट उसे रोक देता है और बोलता है कि नीचे पड़ा हुआ खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बाकी के लोग भी इस चीज से अग्री करते हैं लेकिन देंजी को अब गुस्सा आने लगा था। अफकोर्स यार वो देंजी है जो कि पहले गटर में ही रहता था। देंजी राइस बॉल को उठाता है और सबके सामने फटाफट खा लेता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें इन तीन लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, योशिदा, कुसाकाबे और तामाकी। अब ये तीन लोग देंजी की पर्सनल प्रोटेक्शन टीम है और किसी भी फॉरेन असैसिनेशन से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और माकिमा देंजी को बताती है कि ये तीन लोग आकी, एंजल डेविल और भी कुछ तीन लोग जो कि क्योतो से आने वाले हैं, ये सारे लोग अब कुछ टाइम के लिए देंजी के साथ ही रहेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है उन तीन लोगों पर जिसके बारे में माकिमा बात कर रही थी, सुबुरु, कोरोसे और तेंदो, जो कि रास्ते में थे और मेन ग्रुप के पास पहुंच ही रहे थे, लेकिन वो लोग रास्ते में एक सिगरेट ब्रेक ले लेते हैं। उन तीनों में से एक पूछता है कि सिंपली हम लोग देंजी को कहीं छुपा क्यों नहीं देते, तो सुबुरु बोलता है कि उसका भी कोई फायदा नहीं क्योंकि डेविल्स उसे स्मेल कर सकते हैं। फिर जब वो लोग ड्राइव करके मेन ग्रुप के पास जा ही रहे थे तब सुबुरु उन लोगों से पूछता है कि तुम दोनों तो माकिमा से मिल चुके हो, क्या तुम्हें लगता है कि माकिमा वैसी ही है जैसे उसके बारे में बात की जाती है? तो तेंदो बोलती है कि वैसे भी मुझे माकिमा के बारे में कुछ सीरियस डिस्कस करना था। इससे पहले वो और कुछ बोल पाते एकदम से रास्ते में कोई कांटे बिछा देता है जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पेड़ में घुस जाती है। तभी कुछ लोग कार का कांच तोड़ देते हैं और अंदर बैठे तीनों को गोली मार देते हैं। एंड हमें पता चलता है कि ये वही तीन अमेरिकन थे जो कि देंजी को हंट करने के लिए निकले थे। फिर उनमें से दो लोग इन तीनों एजेंट्स का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर उन तीन अमेरिकन में से एक बंदा सैटो पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर लेता है और बिल्कुल कुरोसे की तरह बन जाता है और अपनी आवाज या एक्सेंट को भी पूरी तरीके से मैच कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है मेन ग्रुप जिसमें देंजी और पावर बर्गर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, लेकिन पावर को वेजिटेबल्स वाला बर्गर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो देंजी को वो बर्गर ऑफर करती है, लेकिन साइड में खड़ा कुसाकाबे उसे मना करता है और बोलता है कि अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए तुम्हें वेजिटेबल्स भी खाने होंगे। और ये सुनते ही देंजी पावर को पूरी तरीके से वो बर्गर खिला देता है जिससे उसे उल्टी आने लगती है। एंड उसी टाइम हम देखते हैं कि फॉरेस्ट वाली असैसिन मास्टर देंजी के जस्ट साइड से होकर निकल रही थी और फिर वो तोलका के साइड में जाकर बैठ जाती है और उसे बताती है कि उसने दो बार नीडल से देंजी को स्टैप कर दिया है और जैसे ही वो तीसरी बार भी देंजी को स्टैप कर देगी उससे कर्स डेविल इन्वोक हो जाएगा और देंजी को मार देगा। लेकिन उसकी मास्टर बोलती है कि ये काम तोलका को करना होगा और जैसे ही तोलका इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है वो हंसते हुए अपना बर्गर खाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है वॉयलेंस फिंड और कोबेनी जो कि रैंडमली सड़कों पर घूम रहे थे। वॉयलेंस फिंड कोबेनी को एक आइसक्रीम दिलवाता है जिससे कोबेनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम वॉयलेंस फिंड क्यों है जबकि तुम तो इतने अच्छे हो। वॉयलेंस फिंड उसे बताता है कि जब वो इंसान था तब की भी उसके पास काफी सारी मेमोरीज है जो कि उसे शांत रहने में मदद करती है, लेकिन वो कैसे मरा था उसे ये तो याद नहीं है, बस इतना याद है कि माकिमा ने उसे एक दिन बचा लिया था। सडनली उन दोनों के सामने एक कार आ जाती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसके अंदर वही अमेरिकन असैसिन बैठा हुआ था जिसने कुरोसे का भेष बदला था और वो बोलता है कि उनके ऊपर एक मर्डर अटेम्प्ट हुआ था जिसमें संभव वो तो बच गया लेकिन तेंदो और सुबुरु मारे गए। और वो वॉयलेंस फील्ड से बोलता है कि इस बारे में जल्द से जल्द हेडक्वार्टर्स में कंप्लेन कर दो और वो अमेरिकन असैसिन सोचता है कि कितने बेवकूफ लोग हैं, बिना मेरा बैच देखे ही मेरी बातों पे यकीन कर लिया। वहीं दूसरी तरफ देंजी और पावर जो कि पूरे दिन खाने और चलने की वजह से थक गए थे अब जमीन पर बैठकर आराम कर रहे होते हैं और देंजी बोलता है कि ये लोग मेरी प्रोटेक्शन करने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं जबकि ये लोग मुझे बेट की तरह यूज कर रहे हैं सारे असैसिन्स को मारने के लिए। आकी पीछे से आकर इस चीज को कंफर्म करता है और देंजी को यकीन दिलाता है कि इस सब के खत्म हो जाने के बाद वो उन्हें माकिमा के साथ वेकेशंस पर जरूर लेकर जाएगा। फिर वॉयलेंस फिंड, कोबेनी और वो अमेरिकन असैसिन कार में बैठकर मेन ग्रुप के पास पहुंचते हैं और आकी से बात करते हुए फेक कुरो से बोलता है कि मुझे तेंदो और सुबुरु की मौत का बदला लेना है और आकी उसे शांत करने की कोशिश करता है। वहीं पावर कोबेनी की कार को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि उसे वो कार काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। वो कार के अंदर जाकर बैठ जाती है और कोबेनी से बोलती है कि तुमने मेरी कार को चुराया क्यों, एक्चुअली में ये मेरी कार ही थी जिसे तुमने चुरा लिया था और अब मैं इसे वापस ले रही हूँ। कोबेनी पावर को रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन पावर उसे भरोसा दिलाती है कि उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है। और वहीं फेक कुरो से देंजी
जी का दोस्त बनने की कोशिश करता है और खुद से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। जब वो दोनों हाथ मिला ही रहे थे, सडनली पावर की कार आती है और उन दोनों को ही उड़ा देती है। कोबिनी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी सारे लोग नोटिस करते हैं कि एकदम से कोरोसे की आवाज बदल गई है और उसका फेस भी चेंज हो गया है। तामाओ की उसे पहचान लेता है और सबको बताता है कि ये एक्चुअली में एक असैसिन है जिसका स्किन डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से इसने कुरोसे की तरह रूप बदल लिया है। इसके साथ इसके और भी दो पार्टनर्स हैं जो कि अभी ज्यादा दूर नहीं होंगे। सारे के सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं और पावर जोर जोर से बोलने लगती है कि उसे स्टार्टिंग से ही पता था, इसीलिए तो पावर ने उसे कार से उड़ा दिया था। वहीं दूसरी तरफ कोबिनी अभी भी कार में रो रही थी और घबरा रही थी। आसपास खड़े जितने भी लोग थे सारे शॉक में तो थे ही, लेकिन साइड में खड़े ये दो लोग कुछ ज्यादा ही शॉक में होते हैं। एंड हमें पता चलता है कि ये अमेरिकन ट्रायो के ही मेंबर्स हैं, जोई और एल्डो। एल्डो उल्टियां करने लगता है और जोई उससे बोलता है कि चिंता मत करो, हम दूसरा प्लान बना लेंगे। इतने में ही कोई दीवार के पार से जोई को खींच लेता है और इंस्टेंटली मार देता है। एंड हमें पता चलता है कि ये तो योशीदा था। योशीदा उल्टी करते हुए एल्डो से पूछता है कि सर कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। एल्डो बोलता है कि मैं बस एक्सीडेंट को देखकर घबरा गया था। फिर योशीदा वहां से हंसते हुए चला जाता है और जाते हुए बोलता है कि एक प्रो कभी भी उल्टी नहीं करेगा। फिर हमें टोक्यो में ही एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है जहां पर एक ब्लू कलर की कार व्हाइट कार में घुस जाती है। तो जैसे ही कार का ओनर बाहर निकलता है और पीछे वाले को चिल्ला रहा होता है, तभी उस कार ड्राइवर के सामने कॉस्मो आ जाती है और बोलती है हैलोवीन। ये सुनकर कार ड्राइवर भी हैलोवीन बोलना शुरू कर देता है और हैलोवीन बोलता ही जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कॉन्सी और उसका ग्रुप आगे बढ़ने लगता है। फिर वो लोग एक सुशी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहां पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग डेंजी को मारने के लिए कल सुबह निकलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है एल्डो जो कि अमेरिकन असैसिन है, उसके हाथ में कोरोसे की फोटो आ जाती है और वो उसे देखने लगता है। उस फोटो में कोरोसे और तेंदो तो थे ही, साथ ही उसका एक दोस्त तोमोनो भी था। और उस फोटो के पीछे एक मैसेज लिखा हुआ था जिसमें तोमोनो बोलता है कि अगली बार जब भी तुम टोक्यो आओ तो मेरे साथ स्विमिंग करने जरूर आना, और नीचे उसका फोन नंबर भी लिखा होता है। तो फिर एल्डो अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लेता है और वापस से कोरोसे बन जाता है और उसके दोस्त तोमोनो से मिलने आ जाता है। फिर वो लोग साथ में बैठकर पार्टी करने लगते हैं और एल्डो को कोरोसे की लाइफ के बारे में काफी चीजें पता चलती हैं, जैसे कि उसकी एक मॉम थी जो कि उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी और कोरोसे की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसके साथ उसका काफी अच्छा रिलेशन था। एल्डो इस सब को सुनके काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और जब वो दोनों सो जाते हैं तब तोमोनो कोरोसे से बोलता है कि क्यों ना तुम अपनी डेविल हंटर वाली जॉब को छोड़ दो और मेरे साथ शॉप पर काम करवाने लगो। तो इस पर कोरोसे बोलता है कि एक प्रो अपने काम को हमेशा कंप्लीट रखता है। फिर अगले दिन की सुबह हम लोग देखते हैं कि वही जर्मन सेंटा क्लॉस रैंडमली सड़क पर घूम रहे लोगों को टच करता है और उसके टच करने से ही वो लोग डॉल्स बन जाते हैं, और जब वो डॉल्स एक दूसरे को टच करती हैं तब वो भी डॉल्स बन जाती हैं। देखते ही देखते डॉल्स की एक आर्मी बन जाती है और सेंटा क्लॉस बीच में खड़ा होकर हंसने लगता है। फिर हमें उन चारों ग्रुप्स का सीन दिखाया जाता है जो कि आज डेंजी को हंट करने वाले हैं। कॉन्सी और उसका ग्रुप, एल्डो, तोलका और उसकी मास्टर और हमारा सेंटा क्लॉस, ये सारे के सारे लोग हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम एक बिल्डिंग में माकिमा को देखते हैं जो कि कई सारी डॉल्स के ऊपर से चल रही थी। माकिमा प्रिंस और बीम को ऑर्डर देती है कि आज कुछ भी हो जाए उन लोगों को डेंजी को बचाना है। बीम एक्साइटमेंट में बोलता है समझ गया मिस माकिमा। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सेंटा क्लॉस एक डिपार्टमेंटल स्टोर की बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है और चाय पीते पीते नजारा देख रहा होता है। हम लोग देखते हैं कि मेन ग्रुप आराम से बिल्डिंग के अंदर जा रहा था, लेकिन एकदम से ही उनके पीछे कुछ डॉल्स आ जाती हैं जिनके हाथ ब्लेड बन चुके थे। कुसाकाबे एक रिचुअल सर्कल बना लेता है और जैसे ही वो डॉल्स उस सर्कल तक पहुंचते हैं सब के सब स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड हमें पता चलता है कि कुसाकाबे का एक स्टोन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। योशीदा सारे लोगों को इन्फॉर्म करता है कि ये एक डॉल डेविल है और इसकी पावर्स हैं कि ये किसी को भी डॉल में कन्वर्ट कर सकता है बस उसे टच करके ही, भले ही वो किसी के बॉडी पार्ट्स को टच करे या फिर उसके कपड़ों को। आकी बोलता है कि डॉल्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगती है, इसीलिए हम लोग डॉल्स को हरा सकते हैं क्योंकि वो बहुत कम होंगी। एकदम से ही 100 से भी ज्यादा डॉल्स उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और सारे लोगों की 12 बज जाती है। सारे के सारे लोग सेकंड फ्लोर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान पावर को कई सारी डॉल्स पकड़ लेती हैं। फिर डेंजी वहां पर आकर उन डॉल्स को हरा देता है, जिस पर कुसाकाबे बोलता है कि हो सकता है डॉल्स का असर फीन्स और डेविल्स पर ना होता हो। इतने में ही कई सारी डॉल्स ऊपर चढ़ जाती हैं, लेकिन नाकामुरा नाम का एक डेविल हंटर फॉक्स डेविल की मदद से सबको नीचे फेंक देता है और सबसे
बोलता है कि हमारे पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है, अगर गलती से भी एक बार कोई डॉल बन जाता है तो फिर वो वापस कभी सही नहीं हो सकता, तो भलाई सिर्फ इसी में है कि भागो या लड़ो। फिर हमें दिखाया जाता है पास ही के अम्यूजमेंट पार्क में, टोलका की मास्टर उसका इंतजार कर रही होती है। वहीं पास ही के बाथरूम में टोलका तैयारियां कर रहा होता है डेंजी को उस सुई को चुभाने के लिए, और उसी बाथरूम में एल्डो भी बैठा होता है अपनी गन को लेकर और खुद से बोल रहा होता है कि अपने भाइयों का बदला लेने के लिए उसे डेंजी को मारना जरूरी है। फिर सेंटा क्लॉज डेंजी के पीछे और भी कई सारे डॉल्स को भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ कोबिनी अपनी कार का डेंट सही करने की कोशिश करने में लगी है और फिर क्वांगसी बोलती है कि अब मुझे भी मैदान में उतरना पड़ेगा। और भी कई सारी डॉल्स बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है और फॉक्स डेविल के हमले को डॉच कर लेती है। सारे लोग इस चीज को देखकर शॉक में थे, तभी एंजल डेविल अपनी पावर्स का यूज करती है, 5 सालों के लाइफ फोर्स को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेती है और ऊपर आती हुई सारी डॉल्स को काट देती है। जब बाकी लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारी इतनी कमाल की पावर्स हैं लेकिन तुम अब क्यों यूज कर रहे हो, तो एंजल डेविल बोलता है कि उसके अपने कुछ रीजंस हैं। वहीं बाहर मेन ग्रुप की मदद करने के लिए कुछ डेविल हंटर्स आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पीछे से क्वांगसी रोक देती है। जैसे ही वो लोग क्वांगसी से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, क्वांगसी अपनी तलवार को निकालती है और 1 सेकंड के अंदर ही सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाती है, और क्योंकि उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है तो अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर फेंक देती है। एंड हमें पता चलता है कि रास्ते में आने वाले सारे लोगों को क्वांगसी ने काट दिया है। आकी को एक काफी खतरनाक फ्यूचर विजन आता है, तो समहाउ एंजल डेविल और आकी क्वांगसी के हमले को डॉच कर लेते हैं, लेकिन क्वांगसी का मूवमेंट इतना ज्यादा फास्ट था कि उसे लड़ना तो बहुत दूर की बात है लेकिन उसे देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। क्वांगसी आकी और एंजल डेविल को जमीन पर नॉकआउट कर देती है। फिर वो चुपचाप एक जगह पर खड़ी हो जाती है और डेंजी को देखने लगती है। अफकोर्स डेंजी की ये देखकर 12 बज जाती है, तभी क्वांगसी डेंजी को किक करके उसे नॉकआउट कर देती है और वहां खड़े और भी कुछ डेविल हंटर्स को नॉकआउट कर देती है। फिर वहां पर योशीदा ऑक्टोपस डेविल की मदद से पूरे रूम में इंक ही इंक कर देता है। इंक के फैल जाने की वजह से क्वांगसी के अटैक्स थोड़े से स्लो हो जाते हैं और योशीदा इस मौके का फायदा उठाकर क्वांगसी के पीछे आ जाता है, लेकिन क्वांगसी उसे ही नॉकआउट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जब क्वांगसी का ग्रुप बाकी डेविल डॉल्स को मार रहा होता है, तभी वहां पर किशी भी आ जाता है और उन लोगों को फाइट के लिए चैलेंज करता है। क्वांगसी के ग्रुप की एक लड़की पिंगस्टी अपनी पावर्स का यूज करके ये पता लगा लेती है कि किशीबे का किन किन डेविल से कॉन्ट्रैक्ट है, और वो ये चीज रिवील कर देती है कि किशीबे के कॉन्ट्रैक्ट्स नीडल क्लॉ और नाइफ डेविल से हैं। दूसरी तरफ योशीदा और क्वांगसी की फाइट में क्वांगसी उस पर भारी पड़ता है और वो बस योशीदा को मारने ही वाला था कि इतने में ही वहां पर किशीबे आ जाता है, जिसके हाथ में क्वांगसी के ग्रुप की लड़कियां होती है, जिस वजह से क्वांगसी को योशीदा को छोड़ना पड़ता है। किशीबे पावर और डेंजी से बोलता है कि तुम इन्हें हॉस्टेज बनाकर रखो, मैं इस लड़की से निपटता हूं। हमें दिखाते हैं कि किशीबे और क्वांगसी दोनों आपस में बात कर रहे हैं और किशीबे रैंडमली उसके रिटायरमेंट की बात करने लगता है। क्वांगसी को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तभी किशीबे उसके हाथ में एक नोटपैड दिखा देता है जिसमें लिखा था, माँ की माँ अभी हमें सुन रही है। उसके नेक्स्ट पेज पर लिखा था कि बस वही करते जाओ जो मैं बोलता हूँ और उसके बदले में तुम्हें फ्रीडम और सेफ्टी प्रोवाइड करूंगा। अगर तुम माँ की माँ को मारने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। क्वांगसी इस डील के लिए मना कर देती है और वो बोलती है कि उसे किसी भी टाइप का रिस्क नहीं चाहिए और उसे किसी से भी टक्कर नहीं लेनी, खासकर माँ की माँ से। और वो उसकी काफी फेमस लाइन बोलती है, इग्नोरेंस इज अ ब्लेस, जिसका मतलब होता है अगर किसी को प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता तो उसे प्रॉब्लम की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में शांति होने का कारण सिर्फ सीक्रेट्स हैं। जैसे ही क्वांगसी ये बोलती है तभी पीछे से एल्डो आ जाता है जो कि डेंजी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और शूट कर देता है, लेकिन उससे पहले ही किशीबे उसे बचा लेता है और मौके को देखकर जिस लड़की को डेंजी ने हॉस्टेज बना रखा था वही डेंजी को हॉस्टेज बना लेती है। और इस सब के दौरान क्वांगसी भी किशीबे पर हमला कर देती है, दोनों ही एक दूसरे को पंच कर देते हैं, लेकिन जब किशीबे क्वांगसी को चाकू से मारने वाला होता है तभी क्वांगसी मौका देखकर उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है। नीचे गिरता हुआ किशीबे अपने चाकू की मदद से अपनी स्पीड को कम कर लेता है और कोबिनी की कार के ऊपर आकर गिर जाता है। एल्डो डेंजी को फिर से गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन क्वांगसी उसे बाहर फेंक देती है एंड वो भी कोबिनी की कार के ऊपर आकर गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वॉयलेंस फीड जो कि डॉल्स की आर्मी से लड़ रहा होता है, और दूसरी तरफ कोबिनी अपनी कार की हालत को देखकर अफसोस मना रही होती है। पावर जिसके हाथ में पहले से ही पिंगस्टी एज अ हॉस्टेज थी डिमांड करती है कि वो डेंजी को छोड़ दे वरना वो पिंगस्टी को जान से मार देगी। ये सुनकर क्वांगसी पावर से बोलती है कि क्यों ना तुम उसे चुपचाप नीचे रख दो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। फिर हम देखते हैं एकदम से पीछे से बीम आ जाता है जो कि डेंजी को बचा लेता है। इसके बाद डेंजी वहां से भागने के लिए तैयार हो जाता है और क्वांगसी डेंजी को पकड़ने के लिए तैयार हो ही रही थी कि वहां पर एकदम से योशीदा आ जाता है जो कि क्वांगसी से बोलता है कि क्या हम एक रीमैच कर सकते हैं। फिर योशीदा और क्वांगसी के बीच में एक फाइट होने लगती है जिसमें दोनों ही एक दूसरे के हमलों को डॉच करते हैं और एक दूसरे पर कमाल
कमाल के हिट्स मारते हैं। योशिदा यहाँ पर कोंगसी को कॉम्प्लीमेंट करता है और बोलता है कि तुम्हारी ताकत एक इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देंजी और भीम वहाँ से बचकर भाग रहे होते हैं और भीम देंजी को एडवाइस करता है कि आपको अपने ब्लड को बचा कर रखना चाहिए और चेनसो मैन कम से कम बनने की कोशिश करना चाहिए। जैसे ही वो लोग भाग रहे थे, एक्सीडेंशली देंजी टोलका के उस नीडल के ऊपर पैर रख देता है और कर्स डेविल इन्वोक हो जाता है। देंजी एकदम से ही हवा में उड़ने लगता है और कर्स डेविल उसे फाड़ देता है। इतने में ही पीछे से टोलका आता है और भीम को नॉकआउट कर देता है। तभी वहां पर टोलका की मास्टर आ जाती है और वो टोलका की तारीफ करती है और बताने लगती है कि एक परफेक्ट डॉल कैसे बनाए। एक डॉल के ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, वर्शिप और दया जैसी कुछ चीजों को मिलाने से बनती है एक परफेक्ट डॉल। फिर उसकी मास्टर टोलका के ऊपर हाथ रखती है और उसे भी एक डॉल में कन्वर्ट कर देती है और रिवील करती है कि एक्चुअली में वही सांता क्लॉस है। क्या? लेकिन फिर वो अंकल कौन है? फिर टोलका की मास्टर या कह लो सांता क्लॉस रिवील करती है कि वो दोनों उसकी एक परफेक्ट डॉल्स थी जिनके थ्रू बस वो अपना काम करवा रही थी। फिर आकी होश में आता है और देखता है कि कोंगसी ने योशिदा को हरा दिया है और बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया है, लेकिन ऑक्टोपस डेविल की मदद से योशिदा खुद को गिरने से बचा लेता है। फिर आकी और एंजल डेविल दोनों ही तैयार हो जाते हैं कोंगसी से लड़ने के लिए, लेकिन एकदम से ही आकी को एक फ्यूचर विजन आता है जो कि इतना ज्यादा भयानक था कि उसे समझ नहीं आता कि है क्या। फिर बिल्डिंग के बाहर से वो बूढ़ा इंसान खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और अपने साथ साथ उन तीन बच्चों को भी सैक्रिफाइस कर देता है जो कि उसने प्रॉमिस किए थे, और वो भी हेल डेविल को। इसके बदले में हेल डेविल जितने भी बिल्डिंग में जिंदा लोग हैं उन सभी को हेल में लेकर आ जाएगा। और वैसा ही होता है। बिल्डिंग के अंदर के सारे लोग एकदम से नोटिस करते हैं कि आसपास की सारी चीजें एकदम से काली हो गई है और बिल्डिंग के बाहर से लोग ये चीज देखकर घबरा जाते हैं कि एक 6 उंगलियों वाला हाथ आकर उस बिल्डिंग को तबाह कर देता है। और जितने भी बिल्डिंग के अंदर लोग थे एकदम से वो लोग एक काफी अजीब सी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ऊपर कई सैकड़ों दरवाजे थे और ये सभी लोग पहुंच जाते हैं हेल में। यहाँ पर पूरी जमीन पर हर तरफ घास ही घास थी और ऊपर कई सैकड़ों दरवाजे थे जो कि कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे। आकी देंजी के पास आकर उसकी चेन्स को खींचता है और देंजी चेन्सो मैन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन हो नहीं पाता है। उसके सर से सिर्फ आधी ही चेन्सो निकल पाती है और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास ब्लड बहुत कम बचा है। सारे लोग नोटिस करते हैं कि पावर और जितने भी फीड्स वहां पर होते हैं सारे के सारे अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, उन्हें सांस नहीं आती है और बहुत ज्यादा घबराहट होती है। फीड्स इतने ज्यादा डर रहे थे और घबरा रहे थे कि पिंगस्टी कोंगसी से पूछती है कि क्या वो सुसाइड कर सकती है, जिस पर कोंगसी साफ मना कर देती है। जिस पर डरते और रोते हुए पिंगस्टी बोलती है कि उन्हें कई सारे ऐसे डेविल्स देख रहे हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, गन डेविल से भी कई गुना ताकतवर डेविल्स, जिनसे सारे के सारे डेविल्स डरते हैं और उन्हें बोलते हैं प्राइमल फियर्स, जो कि कभी नहीं मरे हैं और ना ही मर सकते हैं। जहां एक तरफ ये सब चल रहा था वहीं दूसरी तरफ एक गेट खुलता है जिसमें से एक ब्लैक कलर का लिक्विड नीचे गिरता है और ये है डार्कनेस डेविल। सारे लोग डार्कनेस डेविल से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही डार्कनेस डेविल थोड़ा सा विजिबल होता है कई सारे आधे कटे हुए एस्ट्रोनॉट्स जिन्होंने हाथ जोड़ रखे हैं वो डार्कनेस डेविल के लिए रास्ता बनाते हैं और स्प्लिट सेकंड ऑफ टाइम में डार्कनेस डेविल उन सारे लोगों के बीच से होता हुआ निकलता है और सारे लोगों के हाथों को काट देता है। इनमें से कोई भी पलक भी नहीं झपका पाता है और इनके हाथ कट जाते हैं। फिर टोलका डार्कनेस डेविल से बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं चेनसो मैन का दिल लेकर आ चुका हूँ, इन रिटर्न डार्कनेस डेविल सांता क्लॉस को ऐसी पावर्स देगा जिससे वो माकिमा को मार सके। फिर बिल्डिंग के बाहर बैठी सांता क्लॉस के पास एक हाथ आता है जिसके हाथ में डार्कनेस डेविल के फ्लैश का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और सांता क्लॉस उस पूरे फ्लैश को खा लेती है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कम्प्लीट हो जाता है डार्कनेस डेविल टोलका का सर अपने धर से अलग कर देता है। वहीं हेल में कुसाकाबे अपने ब्लड की मदद से एक रिचुअल सर्कल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता डार्कनेस डेविल एकदम से अपने हाथ में स्टोन डेविल को समन कर लेता है और उसे तोड़ देता है जिससे कुसाकाबे भी टूट जाता है। फिर भीम आकर देंजी को अपना ब्लड पिला देता है और देंजी की चेन को भी खींच देता है, लेकिन सडनली डार्कनेस डेविल भीम को 3 टुकड़ों में काट देता है एंड हमारा प्यारा भीम यहाँ पर मर जाता है। शिट यार, नहीं। फिर कोंगसी और तामाओ की डार्कनेस डेविल पर हमला कर देते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, डार्कनेस डेविल सबको काट देता है। फिर वॉयलेंस फिएंड कोबेनी को बोलता है कि वो उसका मास्क उतार दे एंड यहाँ पर वॉयलेंस फिएंड का फेस रिवील होता है और बस वो डार्कनेस डेविल को एक किक मारने ही वाला था। डार्कनेस डेविल एक अननोन लैंग्वेज
में कुछ बोलता है और वॉयलेंस फीड की बॉडी में छेद ही छेद हो जाते हैं। फिर वहां पर देंजी आ जाता है और डार्कनेस डेविल पर अपनी चेनसॉ की मदद से हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले देंजी उसे टच भी कर पाता देंजी पूरी तरीके से क्रश हो जाता है। फिर आकी पावर की तरफ देखता है और उसकी ऐसी हालत को देखकर उसे हिमिनो की डेथ याद आती है। आकी पूरी तरीके से शॉक रहता है और कुछ बोल भी नहीं पाता। फिर हम देखते हैं वॉयलेंस फीड जो कि अभी भी जिंदा है अपने मुंह से एक और हाथ को निकालता है, लेकिन योरू जैसी दिखने वाली एक स्वॉर्ड आकर वॉयलेंस फीड को आर पार कर देती है। डार्कनेस डेविल फिर आकी के ऊपर आ जाता है, लेकिन आकी को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो इतना ज्यादा घबरा चुका था। डार्कनेस डेविल धीरे से साइड में बैठी एंजल डेविल को देखता है और उसके बस देख लेने से ही एंजल डेविल के मुंह से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। यही चीज वो आकी के साथ भी करता है, उसकी आंखों से और मुंह से खून आने लगता है और वो भी बेहोश जाता है। एकदम से वहां पर प्रिंसी आ जाती है, लेकिन डार्कनेस डेविल उसके भी सारे हाथ पैर काट देता है। फिर माकिमा अपनी पावर्स की मदद से प्रिंसी से कांटेक्ट करती है और माकिमा उसे ऑर्डर देती है कि वो अभी के अभी माकिमा को हेल में समन कर ले। पहले तो प्रिंसी इस पर मना करती है, लेकिन माकिमा जब उसे ऑर्डर्स देती है तब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। एंड हम देखते हैं ये एपिक सीन जिसमें माकिमा और डार्कनेस डेविल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। माकिमा और डार्कनेस डेविल दोनों ही अपने फिंगर्स को एक दूसरे की तरफ पॉइंट करते हैं, जहां एक तरफ माकिमा के फिंगर टूट जाती है, वहीं दूसरी तरफ डार्कनेस डेविल के कई सारे फेसेस में से खून आने लगता है। माकिमा फिर टोलका के कटे हुए सर की तरफ बढ़ती है और उसके सर पे अपना हाथ रख देती है, लेकिन फिर धीरे धीरे माकिमा का हाथ टूटना शुरू हो जाता है और ट्विस्ट होकर पूरी तरीके से टूट जाता है। डार्कनेस डेविल फिर योरू जैसे दिखने वाली स्वॉर्ड को समन कर लेता है और माकिमा को मार देता है, लेकिन माकिमा की कंट्रोल पावर्स की मदद से टोलका डार्कनेस डेविल से बोलता है कि मैं तुम्हें खुद को पूरी तरीके से ऑफर करता हूँ, बस यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को वापस भेज दो। एंड एकदम से ही सारे लोग वापस से डिपार्टमेंट स्टोर की छत पर आ जाते हैं। लेकिन दिक्कतें अभी भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि अब सेंटा क्लॉस के पास डार्कनेस डेविल की पावर्स हैं। सेंटा क्लॉस एक काफी अजीब सी चीज में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसके कई सारे हाथ होते हैं और उसके पैरों की जगह सर होते हैं, और वो माकिमा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। फिर माकिमा और सेंटा क्लॉस आमने सामने होते हैं। यहाँ पर माकिमा अपना ब्लड देंजी को पिला देती है और उसकी चेन्स को खींच देती है, और माकिमा बताती है कि अब क्योंकि सेंटा क्लॉस ने डार्कनेस डेविल का फ्लैश खा लिया है, तो अब कोई भी अटैक जो कि उसके ऊपर डार्क में या अंधेरे में होगा वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि डार्कनेस डेविल की पावर्स की मदद से अब वो डार्क में खुद को बहुत ही आसानी से रीजनरेट कर सकती है। और फिर माकिमा देंजी से पूछती है कि क्या वो माकिमा को बचाएगा, जिस पर देंजी चेन्सॉ मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सेंटा क्लॉस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें बिल्डिंग के बाहर दिखाए जाते हैं किशिबे और योशिदा जो कि बाकी सारी डॉल्स को मार रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि माकिमा वैसी नहीं है जैसी वो दिखाती है, और तो और वो ब्यूरो के लिए भी काम नहीं करती है, एक्चुअली उसके गोल्स के पीछे उसका खुद का कोई मोटिव होता है। फिर किशिबे पूछता है कि क्या अभी माकिमा हमें सुन रही है, जिस पर योशिदा बोलता है कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ लोअर लाइफ फॉर्म के कानों को ही यूज कर सकती है, जैसे कि रैट्स, बर्ड्स या फिर कुछ और। दूसरी तरफ देंजी पूरी ताकत से सेंटा क्लॉस से लड़ रहा होता है और अपना गुस्सा निकाल रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से ना केवल माकिमा की जान को पर आकी और पावर की जान को भी खतरा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि सेंटा क्लॉस कोई भी डैमेज रिसीव करने के बाद जैसे ही अंधेरे में जाती है इंस्टेंटली वो अपने पार्ट्स को रीजनरेट कर लेती है, क्योंकि अब अंधेरे में उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। फिर वो देंजी को एक ही अटैक से बहुत दूर फेंक देती है। देंजी उठता है एंड अगेन उस पर हमला करता है, लेकिन उसे कई सारी डॉल्स रोक लेती है। फिर क्वांगसी के ही ग्रुप की एक मेंबर सुगिहा की क्वांगसी के आई पैच को हटाती है और उसके मुंह के अंदर अपना हाथ डाल देती है, और क्वांगसी के मुंह से एक खंजर या चाकू जैसी कोई चीज निकलती है। वो क्वांगसी के सर को नीचे फेंक देती है जहाँ पर बाकी सारी डॉल्स देंजी पर हमला कर रही थी, लेकिन एकदम से ही क्वांगसी अपना हाइब्रिड फॉर्म ले लेती है और सारी डॉल्स को तबाह कर देती है। फिर क्वांगसी और देंजी साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें एक बेसमेंट में सेंटा क्लॉस दिखती है, लेकिन उसके पास आ जाती है क्वांगसी और उसके ऊपर हमला कर देती है। ऑल्दो उसे काफी डैमेज होता है, लेकिन इंस्टेंटली वो खुद को रिवाइव कर लेती है। फिर सेंटा क्लॉस अपनी पावर्स की मदद से जितनी भी डॉल्स होती हैं उन सभी के माइंड को रिस्टोर कर देती है, जिससे अब वो लोग डॉल्स तो हैं ही और सेंटा क्लॉस के ऑर्डर्स को भी फॉलो करेंगे, लेकिन उनके पास अब खुद का दिमाग होगा जैसा कि डॉल बनने से पहले था। अब यहाँ पर देंजी की 12 बज जाती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज की तरह बिना दिमाग वाले डॉल्स को मारना तो बहुत आसान था, लेकिन अब लोग देंजी से लड़ने के लिए चिल्ला रहे हैं और रो भी रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं कि क्या चल रहा है और वो क्यों देंजी पर हमला कर रहे हैं। देंजी फिर जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि ये तो बिल्कुल ही विलन वाला काम किया है इसने, और देंजी फिर उन्हें मारने की जगह वहां से भागने का डिसाइड करता है, लेकिन मजबूर होकर उसे एक डॉल को मारना ही पड़ता है जो कि उसके पास आ जाती है। वो डॉल दर्द से चिल्लाती है और बोलती है बचाओ। देंजी से ये देखा नहीं जा रहा था और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था वो क्या करे, तो वो डिसाइड करता है कि वो उन डॉल्स को नहीं मारेगा।
भले ही वो डॉल्स डेंजी को मार दे। एकदम से वहाँ पर क्वांग्सी आ जाती है और सारे डॉल्स को मार देती है और डेंजी से बोलती है कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं, अगर इनके पास इनका दिमाग वापस भी आ चुका है तो ये कभी वापस इंसान नहीं बन सकते, अभी ये बस सेंटा क्लॉस की कठपुतलियां हैं और कुछ नहीं। डेंजी बोलता है कि मैं फिर भी इन्हें नहीं मार सकता, जिस पर क्वांग्सी बोलती है इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। अपने इमोशंस को 2 मिनट के लिए साइड में रखो और अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ कि ये सिर्फ डॉल्स हैं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है इन लोगों को हराने का। एकदम से ही बिल्डिंग में से सेंटा क्लॉस बाहर आ जाती है और क्वांग्सी को पकड़ लेती है, लेकिन अगेन क्वांग्सी उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। लेकिन फिर सब लोग नोटिस करते हैं कि अब रात हो चुकी है और अब सेंटा क्लॉस को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर से चेनसो मैन क्वांग्सी वर्सेस सेंटा क्लॉस शुरू हो जाता है, जिसमें अब सेंटा क्लॉस बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी, क्योंकि अब क्वांग्सी के अटैक्स भी उस पर काम नहीं आ रहे थे और अगर संभव वो अटैक कर भी देते हैं तब भी वो आसानी से रीजनरेट हो जाती है। फिर क्वांग्सी की नजर पड़ती है उसके ग्रुप पर जो कि अब डॉल बन चुका था और सेंटा क्लॉस के कंट्रोल में था। अब क्योंकि क्वांग्सी इन लोगों से फाइट नहीं कर सकती थी इसीलिए पिंगिस्टी उसे पेट में स्टैब कर देती है, लेकिन फिर डेंजी एकदम से उसके ऊपर गैसोलीन डाल लेता है और अपनी चेनसॉस की मदद से एक स्पार्क जनरेट करता है जिससे उसके ऊपर आग लग जाती है। और जैसे ही ये अटैक वो सेंटा क्लॉस पर करता है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आग की वजह से डार्क सेंटा क्लॉस कमजोर हो जाती है और उसकी रीजनरेटिंग पावर्स भी कम हो जाती है। डेंजी अब उसके ऊपर चढ़ चुका था और सेंटा क्लॉस को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि अब वो खुद को हील भी नहीं कर पा रही थी। सेंटा क्लॉस डेंजी को दूर फेंकती है और बोलती है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसी पावर से मुझे हरा सकते हो? लेकिन फिर चेनसो मैन रिवील करता है कि उसने अपनी चेन्स को सेंटा क्लॉस की बॉडी पर बांध ली थी जिससे अब वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। अगेन वो सेंटा क्लॉस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार सेंटा क्लॉस अपने पेन को दूसरी डॉल्स में ट्रांसफर कर देती है। अगेन सेंटा क्लॉस डेंजी को एक दीवार में फेंक देती है जहां पर पीछे से कई सारे डॉल्स आ जाती हैं और डेंजी को स्टैप कर देती है। फिर सेंटा क्लॉस उसके सामने खड़ी हो जाती है और डेंजी के मरने का इंतजार करती है, लेकिन डेंजी उन सारी डॉल्स को मार देता है और उनके ब्लड को भी पी लेता है। लेकिन फिर और कई सारी डॉल्स आ जाती है और डेंजी को घेर लेती है, तो फिर डेंजी सेंटा क्लॉस को अपनी चेन्स की मदद से खींचने लगता है। सेंटा क्लॉस डेंजी की पावर्स को देखकर डर जाती है और सारी डॉल्स को ऑर्डर देती है कि वो डेंजी को दूर रखें। एकदम से ही कुछ डॉल्स कार में बैठकर कार को डेंजी में क्रैश कर देती है जिससे एक बहुत ही कमाल का धमाका हो जाता है और पूरी तरीके से आग में लिपटा डेंजी अभी भी हार नहीं मानता है और सेंटा क्लॉस को खींचने लगता है। सेंटा क्लॉस को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है और ये हो कैसे पा रहा है, तो डेंजी अपनी मोटिवेशन को रिवील करता है कि अगर माँ की माँ मर जाएगी तो मैं वेकेशन पे किसके साथ जाऊंगा। ये बोलकर डेंजी अपनी तरफ सेंटा क्लॉस को खींचता है और उसकी बॉडी को फाड़ देता है। जैसे ही सेंटा क्लॉस खुद को रीजनरेट करने लगती है डेंजी उस कार को उठाकर सेंटा क्लॉस के ऊपर पटक देता है जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और सेंटा क्लॉस की पूरी बॉडी फट जाती है। फिर डेंजी वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और डॉल्स के ब्लड से खुद को रीजनरेट कर लेता है। डार्कनेस डेविल यहाँ पर डेंजी से बोलती है कि आज भले ही तुम लोग जीत जाओ लेकिन कल पूरे प्लेनेट पर मेरी डॉल्स की आर्मी होगी और मैं डार्कनेस डेविल की पावर्स की मदद से वो डेंजी और माकिमा को तो मार ही देगी, साथ ही जितने भी इनके क्लोज वन है सबको मार देगी। डेंजी उसे हंसते हुए यकीन दिलाता है कि वो अमर है और उसे कोई भी मार नहीं सकता। एकदम से ही पीछे से क्वांग्सी आती है और उसका सर अलग कर देती है। फिर क्वांग्सी कॉस्मोस से बोलती है कि अब तुम्हारी बारी और कॉस्मो अपनी पावर्स का यूज करके कामेहामेहा की तरह हैलोवीन मार देती है। फिर सेंटा क्लॉस एकदम से एक लाइब्रेरी में जागती है और कॉस्मो को वहां देखकर बोलती है कि मेरे ऊपर साइकोलॉजिकल अटैक्स काम नहीं आएंगे, क्योंकि उसका माइंड कई सैकड़ों डॉल से लिंक्ड है पूरी दुनिया में, वो किसी पर भी अटैक ट्रांसफर कर सकती है। फिर कॉस्मो उससे खुद का इंट्रोडक्शन करती है कि मैं कॉस्मोस डेविल हूँ और फिर अपने एंडलेस पावर के बारे में वो एक्सप्लेन करती है। उसकी पावर्स होती हैं कि वो किसी को भी पूरे यूनिवर्स का सारा नॉलेज ग्रांट कर सकती है और हर चीज को पूरी अच्छी तरीके से समझा सकती है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी ज्यादा डीप और इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसका विक्टिम एक सेमी कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है कि विक्टिम का दिमाग सिर्फ एक ही वर्ड को प्रोसेस कर पाता है, वो है हैलोवीन, और वो हैलोवीन शब्द को तब तक बोलता है जब तक वो मर नहीं जाता। फिर सेंटा क्लॉस खुद को एक ऐसी लाइब्रेरी में गिरता हुआ पाती है जिसका कोई भी एंड नहीं है, एक इनफाइनाइट लाइब्रेरी में, और रियल वर्ल्ड में जो उसकी बॉडी जल रही थी वो सिर्फ एक ही वर्ड बोल रही होती है, हैलोवीन। फिर किशिबे और योशिदा क्वांग्सी के सामने आ जाते हैं। क्वांग्सी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और पीछे से माकिमा आती है जिसके हाथ में एक तलवार होती है। ये देखकर क्वांग्सी खुद को सरेंडर कर देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे जूते चाटने के लिए भी तैयार हूँ लेकिन बस मेरी ग्रुप को कुछ भी मत करना। इस पर माकिमा पूरे बैडस तरीके से बोलती है कि एक मरी हुई लाश बात कर रही है, एंड सडनली माकिमा उन तीरों के सर को अलग कर देती है। फिर योशिदा अपनी आंखों की पट्टी को उतार देता है और किशिबे से पूछता है कि तुम अपनी पट्टी को नहीं हटाओगे क्या, जिस पर किशिबे बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं
नहीं देखना। एंड इसी पैनल के साथ इंटरनेशनल असैसिन आर्क कंप्लीट हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। और मैं ये बात जानता हूँ कि शेड्यूल डेट से वीडियो काफी ज्यादा लेट है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि एक हफ्ते में कम से कम दो ऐसी वीडियोस तो डाल ही दूं। एंड इस आर्क का जो नेक्स्ट आर्क है विच इज गन डेविल आर्क, वो तो बहुत ही कमाल का है और वो तुम्हें मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो उसे मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। सो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।